नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 12 का और 12 में हमारा जो अध्याय है सृजन का, अनिवार्य हिंदी का 13वां अध्याय सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सफल प्रजातंत्रवाद के लिए क्या आवश्यक बातें हैं उनका एक विस्तृत वह संक्षिप्त जो वर्णन है इसमें किया है, तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं 13वें अध्याय का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखित है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म सन 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है सन 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में मूलभूत योगदान देने वाले, जो अभूतपूर्व योगदान देने वाले हैं ना, महानेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। अब मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है महू, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अब इनके पिता का जो नाम है ना, वो रामजी मालोजी सकपाल ये नाम था और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। अब कई सामाजिक यानी समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी आज के समय में है। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो वहाँ तत्कालीन समाज में छुआछूत की जो व्यवस्था है ना, जो छुआछूत है वो बहुत ज़्यादा था, स्पर्शता जिसको अपने कहते हैं, तो इस कारण से इनकी जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, वित्तीय स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन शिक्षा के द्वारा इन्होंने उन्नति की और डॉक्टरेट तक की जो उपाधि वो प्राप्त की थी। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। अब जातिगत जो भेदभाव, जाति के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव करना, यानी कि बड़ी जाति का है छोटी जाति का है ना, तो इस प्रकार का जातिगत जो भेदभाव है उसका डटकर विरोध किया और समतामूलक यानी कि सभी समान हैं समाज के अंदर, कोई उच्च जाति का नहीं है, कोई निम्न जाति का नहीं है, तो ऐसे समतामूलक समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया इन्होंने। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया और जो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वे भी ये रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रफपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। इनका संपूर्ण वागम्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वागम्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब ये जो इनका द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वागम्य, जो कह सकते हैं साहित्य जो है वागम्य, इसमें है वागम्य का मतलब होता है साहित्य, ये संपूर्ण जो साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है ना जो, वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वागम्य, अब वागम्य बोला जाता है इसको, नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब पाठ परिचय हम पढ़ रहे हैं कि जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें, तो उसमें अम्बेडकर जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं इसमें, तो उसी की एक संक्षिप्त जो चर्चा है वो पाठ परिचय में की गई है। तो चलिए देखते हैं पाठ परिचय। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में, अब ये एक भाषण है उनके द्वारा दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। बेबाक यानी कि बिना डरे बिना किसी रोक टोक के विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। अब प्रजातंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब जनतंत्र या प्रजातंत्र जो है, जनतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो है, तो ऐसी परिभाषा है इसकी।
तो इसमें जो चुनी हुई सरकार है ना प्रजातंत्र में, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह हो ऐसा होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। विधायिका यानी कि विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गई है ना, संसद हो गई, तो इनमें जो एक दूसरे के प्रति जवाबदेहता है और संयत जो चर्चा है उस पर आवश्यक बल दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। अब प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सुझाव दिए थे वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी वो उतने मान्य जितने उस समय थे। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें तो हम अध्ययन कर रहे हैं। अब जो मूल पाठ है इसका, जो वर्णनीय विषय है इसके अंदर, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें जो कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जो एक भाषण का एक अंश कह सकते हैं अपने। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ हैं उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए। अब देखिए, प्रजातंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चलती है, जनप्रतिनिधि होती हैं, और इसमें बताया कि 5वें वर्ष जो है प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से वो सत्तारूढ़ रह सकें, सत्ता पर रह सकें, वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें, उनके सौभाग्य को बना सकें और उनकी आरक्षा कर सकें, यानी कि आरक्षा मतलब रक्षा कर सकें हर प्रकार से। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी नहीं कह सुन सके। अब देखिए, प्रजातंत्र में केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने सरकार को चुन लिया, जनप्रतिनिधियों को चुन लिया और 5 साल तक जो है 5वें वर्ष जो है सरकार की रोकथाम की जा सके, यानी कि 5 वर्ष बाद में हम उसको सरकार को हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार जो है कुछ भी ना सुने ना कहे ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही की जा सके। अब प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर, अब अपने यहाँ पे चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष है, तो हर किसी का जो कार्यकाल है, चाहे वार्ड पार्षद है, तो उसका हर किसी का कार्यकाल जो 5 वर्ष रखा गया है। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जाए, यानी कि सरकार दूसरी लाई जा सके वोटों के द्वारा, चुनाव के द्वारा, बल्कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही भी की जा सके। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, इसमें प्रजातंत्रवाद में कि कोई भी एक व्यक्ति जो है सदैव शासन नहीं कर सकता, अगर वो लगातार शासन कर रहा है, सदैव शासन करता रहे, तो वह प्रजातंत्र नहीं होकर राजतंत्र हो जाएगा, एक राजा हो जाएगा उसमें। फिर यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। अब देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का अगर कोई विरोधी पक्ष है ना, तो ही वह राजनीतिक जो दल है, सत्तारूढ़ जो दल है, वो अपना संयमित जो व्यवहार करते हुए अच्छे कार्य करेगा, नहीं तो निरंकुश हो जाएगा फिर वो। तो इसी प्रकार से विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है ये बताया है इसमें, कि विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, यानी कि कभी भी उन पर प्रहार होता है, अर्थात कि उनकी जो किए गए कार्य, सरकार द्वारा जो किए गए कार्य, उनकी आलोचना कभी भी हो सकती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। अब देखिए, अपने देखते हैं अखबार वगैरह में या टेलीविज़न में देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रचार है वो सरकार का ही होता है, जो सत्ता पक्ष है ना उसका ही होता है। जो विपक्ष में बैठा है, विरोधी पक्ष है, उसका बहुत कम प्रचार प्रसार होता है। तो विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते, तो इसी कारण से जो समाचार पत्र वगैरह ना, तो उनके जो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं।
शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाती हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें लेखक कह रहे हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। अब प्रजातंत्रवाद जो एक संयम सम्यक सफल रहे, सफलतापूर्वक चलता रहे, तो इसके लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। अगर विरोधी पक्ष नहीं है, उसका विरोध करने वाला नहीं है, तो वह प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। तो इसमें उदाहरण दिया, आगे देखते हैं अपने। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष के लिए के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था वहाँ की गई है प्रजातंत्रवाद के लिए, कि विरोधी पक्ष का केवल स्थान ही नहीं है, बल्कि विरोधी पक्ष को के जो कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, जिसको पीए कहते हैं ना अपने, पर्सनल असिस्टेंट। उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है, जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। तो कनाडा का उदाहरण भी दे दिया इसमें। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी उंगली निर्देश कर सकें। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। अब देखिए कितनी अच्छी बात है इसमें कि सरकार निरंकुश नहीं हो जाए, तो इसलिए विपक्ष की जो भूमिका वो महत्वपूर्ण है। तो इसी को स्वीकार करते हुए इंग्लैंड और जो कनाडा में है, विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उन पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है, और वो क्या है? वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। अब पहली व्यवस्था इन्होंने बताई थी कि सरकार जो है अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो जनता पहले उसको भंग कर सकती है, दूसरे में विरोधी पक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है, और तीसरी जो शर्त बताई है इसमें प्रजातंत्रवाद की, वो है कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए, तभी प्रजातंत्र जो है वो सफल हो सकता है। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रहती है, तो मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि से में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि से में समानता की बात महत्वपूर्ण है। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की जो दृष्टि ना वो समान होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें, जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं कर सकता या नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है, लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है। संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले, अब मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री हैं वो सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखें कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। अब देखिए इसमें एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करने के लिए, अब ऐसे कोई भी अगर अपने व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए किसी मंत्री के पास में, किसी कर्मचारी के पास में जाना पड़ेगा, हमें अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तो उसमें बताया कि कोई भी अगर मंत्री मिनिस्टर वगैरह है तो पहले देखता है टोपी कौन सी पहनी है उसने। अब टोपी पहने का मतलब कि वो उस पार्टी का है या नहीं जो जिस पार्टी का वो मंत्री है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है जो उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है तो जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देते हैं। अब देखिए कैसे भेदभाव हो रहा है इसमें। तो इसलिए कहा कि शासन की दृष्टि से भी सभी समान होने चाहिए। अब उस पार्टी का है या नहीं है, दूसरी पार्टी का हो जाए, लेकिन सभी के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए।
शासन की दृष्टि से दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। अब देखिए, ऐसा अगर भेदभाव शासन में अगर प्रविष्ट हो गया ना, तो देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किए हैं। अब देखिए, अपराध प्रवृत्ति बीच में बता रहे हैं कि उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही हैं, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला नेत्र करा दूंगा। अब देखिए कैसी विडंबना है कि एक पार्टी जो है, जब अगर उसमें पक्षपात की भावना अगर आ जाती है तो कोई भी कार्य जो है सही ढंग से नहीं हो पाता। और जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिनको अपने कह सकते हैं, चाहे न्याय की कुर्सी बैठा हुआ है चाहे किसी अन्य विभाग में, तो अगर मंत्री अगर ऐसा करता है तो वह न्यायोचित नहीं है। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। अब अमेरिका का उदाहरण दिए कि किसी समय ऐसा ही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल कर बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह वास्तव में उनके समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। अब देखिए, अमेरिका में पहले यह पद्धति थी ऐसी कि कोई भी शासन में आता ना, कोई भी पार्टी अगर आती सत्ता में आती तो पहले वाले जो कर्मचारी थे, जितने भी क्लर्क चपरासी वगैरह, सभी को बदल देते थे, यानी कि उनको हटा दिया और नए आदमी जो नियुक्त करते थे। लेकिन बाद में उनको लगा कि यह तो एक विकृत पद्धति है, क्योंकि इससे काम जो है पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, तो बाद में इस विकृत पद्धति को बदल दिया। तो इस प्रकार से प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, जिसका हमने भाग एक में अध्ययन किया है, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बताई गई हैं। और आगे के भाग में, जो भाग दो है, उसके अंदर हम जो हैं आगे किस प्रकार से जो न्याय से संबंधित कह सकते हैं, राजनीतिक कार्यालय वगैरह हैं उनसे संबंधित बताए गए, तो इनमें किस प्रकार से एक प्रकार से शासन जो है उसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और किस प्रकार से प्रजातंत्र जो है सफल हो सके, तो ऐसे कुछ जो बातें हैं वो बताने का प्रयास किया है। तो उसका अध्ययन हम जो है आगे वाले भाग में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो भाग एक में कि जिसमें हमने तीन बातों का अध्ययन किया है। पहला तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल है, व्यक्ति जो है 5 साल के लिए सत्ता में आता है और 5 साल बाद में वो जाके अपना आंकलन करें कि उसने क्या किया है, और साथ ही साथ जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बीच में 5 साल से पहले ही जो सरकार है उसको गिरा सकें, नई सरकार ला सकें। फिर उसके बाद में अन्य बातें भी बताई गई हैं इसमें, है ना, विपक्ष का भी महत्व बताया गया है, और शासन द्वारा समानता का जो भाव है उसको भी प्रजातंत्र के लिए तीसरा आवश्यक कदम बताया गया है। तो आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे भाग दो के अंतर्गत। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।